आईबी इंडिया न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। यूपी के हापुड़ में एक नाबालिग लड़की से रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। रेप का आरोप पड़ोस के ही एक युवक पर लगा है, जिसमें 9 मई को मासूम से उस समय रेप किया जब वह घर से सामान लेकर बाहर जा रही थी। आरोप है कि आरोपी ने उसे रास्ते में जबरन उठा लिया और एक सुनसान जगह ले जाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। साथ ही आरोपी ने इस फोरी वारदात का MMS भी बना लिया है और नाबालिग से दोबारा संबंध बनाने के लिए उसे ब्लैकमेल करता रहा। जब पीड़िता ने आरोपी की यह मांग नहीं मानी तो आरोपी ने पीड़िता का MMS वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होते ही क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मामला पीड़ित नाबालिग के परिवार के संज्ञान में आया। मामला संज्ञान में आने के बाद पीड़ित परिवार ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और मासूम से रेप करने और मासूम को धमकी देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में बेहद शर्मनाक बात यह है कि नाबालिग मासूम की माँ की आंखों की रोशनी काफ़ी समय पहले चली गई थी और पीड़िता के पिता का कुछ ही समय पहले देहांत हो गया था, जिसके चलते घर चलाने के लिए यह मासूम मोतियों की माला बनाकर अपना गुजारा कर रही थी। मोतियों की माला को बेचकर पीड़िता अपने घर का गुजारा चलाया करती थी, लेकिन हवस के भेड़ियों ने इस मजबूर मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाकर उसकी मासूमियत को रौंद डाला। घर में सब गंदा काम करके उसने फिल्म छोड़ दी मोबाइल पर और मेरे को धमकी धमकी दर रहा। मैं कान पर बंदूक लगा दी, तुमने किसी को बता देना तेरे माँ बाप को सबको खत्म कर दूंगा। हमारे सिर्फ ना बाप भैया मेरा मोहताज है, मेरी अम्मी अंधी है। अच्छा, क्या धमकी दे रहा था वो आपको? दूसरा तुम अपने बाबा को बता देना तो तेरे सबको खत्म कर दूंगा गोली से। ये जनपद हापुड़ के हापुड़ देहात थाने में एक लड़की के उसके परिचितों के द्वारा सूचना दी गई और लिखित तहरीर दी गई, जिस पर मुकदमा दर्ज करके 2 अभियुक्तों के नामजद रिपोर्ट थी। दोनों अभियुक्तों को 2 साल तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और उनके विरुद्ध समझ विधि कार्रवाई पूरी कराई जा रही है। सर, इसमें बताया जा रहा है कि आरोपियों ने लड़की का MMS बनाया था और मांग पूरी न करने पर उसे वायरल कर दिया है। ये सभी साक्ष्य उनके लिए जा रहे हैं और सभी साक्ष्य जो भी उनके सभी परिचित और संबंधियों द्वारा दिए जा रहे हैं उसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और उसके अनुसार पर ठोस सबूत के आधार पर इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं और इनको जेल भेजने के बाद इनको अधिकतम सजा दिलाने का भी जो भी प्रावधान है उस पर हम लोग लगे हुए हैं।